जब रेल इंजन की बात आती है तो सबके दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वह है चितरंजन रेल कारखाना। जी हाँ, चितरंजन रेल कारखाना भारत की प्रगति का कारखाना है, जिसमें पिछले 70 सालों में 10,000 से ज्यादा रेल इंजनों का उत्पादन किया जा चुका है। आइए देखते हैं, स्टीम इंजन के उत्पादन से शुरू हुआ चितरंजन रेल कारखाने का यह 70 सालों का सफर। चितरंजन रेल इंजन कारखाना ऊर्जा शक्ति का स्रोत, एक समृद्ध विरासत, स्वर्णिम इतिहास और विविध सांस्कृतिक पहचान के लिए दुनिया भर में मशहूर भारत जैसे देश में उपनिवेश काल के बाद बहुत ही कम संस्थान ऐसे हैं जो राष्ट्र प्रगति में योगदान करने का गौरवशाली इतिहास रखते हैं। ऐसा ही एक संस्थान है चितरंजन रेल इंजन कारखाना, जिसे यह सौभाग्य प्राप्त है सन 1948 से भारत की प्रगति और विकास को गति और प्रेरणा प्रदान करने में यह संस्थान सदैव अग्रणी है। आरंभ में लोको बिल्डिंग फैक्ट्री के नाम से स्थापित इस फैक्ट्री का 1948 में चीफ इंजीनियर श्री महादेव गणपति के नेतृत्व में आधारशिला रखी गई थी। 26 जनवरी 1950 को जब राष्ट्र ने अपने संविधान की स्थापना करते हुए गणराज्य की स्थापना की थी, ठीक उसी समय बंगाल के एक सुदूर से गांव में देश बंधु चितरंजन दास की पत्नी श्रीमती बसंती देवी द्वारा इस लोको बिल्डिंग फैक्ट्री के प्रथम उत्पादन कार्य का शुभारंभ किया गया। एक ऐसा कारखाना जो समय के साथ साथ भारतीय गणराज्य की तरह मजबूत, दृढ़ और प्रगतिशील संस्थान बनकर उभरे। प्रथम दिन से ही राष्ट्र निर्माण के लिए उत्साहित एवं समर्पित इस संस्थान द्वारा शुरुआती 280 दिनों में पहले नवंबर 1950 को देश बंधु नाम के पहले स्टीम इंजन का अनावरण किया गया और जिसे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया गया और उसी दिन नाम बदलकर प्रसिद्ध देशभक्त और समाज सेवी देश बंधु चितरंजन दास के नाम पर चितरंजन रेल इंजन कारखाना रख दिया गया। समय के बढ़ते कदमों के साथ चिरेका ने अपनी तकनीक और गुणवत्ता के स्तर को उन्नत व प्रगतिशील बनाए रखने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन जारी रखा और स्टीम इंजन से डीजल इंजन और फिर समय की जरूरत और मांग के अनुसार इलेक्ट्रिक इंजनों तक पहुंची 14 अक्टूबर 1961 में पहले WC M5 डीसी इलेक्ट्रिक लोको लोकमान्य, इसके बाद 16 नवंबर 1963 को पहला WAG1 AC इलेक्ट्रिक लोको विधान का निर्माण किया। आगे चलकर 6 जनवरी 1968 में पहला डीजल हाइड्रोलिक शंटर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया गया था। विश्व के विभिन्न प्रांतों से आए कई गणमान्य लोगों ने चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का परिभ्रमण किया और इसकी गौरवपूर्ण विरासत की शिखर यात्रा देखी और समझी। वर्तमान वर्षों में चिरेका न केवल लोकोमोटिव उत्पादन का अपना मुख्य कार्य कर रही है बल्कि अपनी समृद्ध विरासत के संरक्षण में एक जिम्मेदार इकाई की भूमिका बखूबी निभा रही है। संरक्षणीय वस्तुओं का एक संकलन चिन्हित किया गया और उन्हें संरक्षित करने के कई प्रयास किए गए। गणपति हट एवं देश बंधु लोको पार्क को विशेष रूप से विरासत योग्य संरक्षित एवं विकसित किया गया, जिसमें पहले स्टीम इंजन देश बंधु और स्टीम उत्पादन के अंत को चिन्हित करने वाले अंतिम सितारा नाम के अंतिम इंजन को गर्व से संरक्षित किया गया है। इस लोको पार्क में 1:4 स्केल का स्टीम इंजन है जो गणमान्य व्यक्तियों, आम जनता व बच्चों के दर्शन और अवलोकन के लिए नियमित रूप से इन्हें खुला रखा जाता है। 1:8 स्केल के स्टीम इंजन को लोको पार्क में भी रखा गया है। चितरंजन की समृद्ध संस्कृति एवं विरासत को CLW में आकर्षक रूप से विकसित एवं संरक्षित किया हुआ है। विशेष रूप से 1950 में चिरेका द्वारा निर्मित प्रथम स्टीम लोको देश बंधु एवं 1972 में निर्मित आखिरी स्टीम लोको अंतिम सतारा को देश बंधु लोको पार्क में संरक्षित रखा गया है। साथ ही 1987 में निर्मित नैरोगेज के ND M5 श्रृंखला के 2 लोको भी देश बंधु पार्क में रखे हुए हैं। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्मित 1/4 स्केल का एकमात्र काम करता हुआ स्टीम लोकोमोटिव फेरी प्रिंस टॉय ट्रेन चितरंजन में शाम के समय लोगों के बीच में एक आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है। विद्युत रेल इंजन के निर्माण में चिरेका ने समय अनुसार उन्नति की है। सर्वप्रथम 1961 में विदेश की इंग्लिश इलेक्ट्रिक से तकनीकी करार के अंतर्गत 3000 हॉर्स पावर के विद्युत रेल इंजन का निर्माण शुरू किया गया था,
जो कि 1970 में बढ़ाकर 4000 एचपी का किया गया। चिरेका ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित WAP-4 रेल इंजन 5000 एचपी का 1997 तक बनाया। विश्व में उपलब्ध उन्नत GTO तकनीक को अपनाकर 1998 से तीन फेज की तकनीक पर आधारित मेसर्स ABB के संग समझौता कर 6000 एचपी के WAG-9 विद्युत इंजन नवयुग का निर्माण किया गया। यह GTO तकनीक रीजेनरेटिव पावर को इस्तेमाल कर विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करता है। 6000 एचपी के मालवाही रेल इंजन WAG-9 में तकनीकी सुधार कर इसे सवारी गाड़ियों को संचालन हेतु प्रशस्त किया गया, जो कि आज WAP-7 रेल इंजन के नाम से जाना जाता है एवं वर्तमान में भारतीय रेल के लिए एक लंबी रेस का घोड़ा है। चितरंजन रेल कारखाना भारतीय रेलवे के लिए विद्युत इंजनों का उत्पादन कर रहा है। सेल निर्माण से लेकर असेंबली और रेल इंजनों के अंतिम परीक्षण तक कर्मचारी और अधिकारी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। रेल इंजन निर्माण के दौरान हमारे समर्पित कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा उच्च गुणवत्ता और संरक्षा पहलुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। यहाँ के अभिकल्प और विकास केंद्र से उच्च गति और उच्च शक्ति वाले नवीनतम रेल इंजनों के लिए नए डिजाइन और सॉफ्टवेयर पर कार्य किया जा रहा है। यांत्रिक विभाग की रेल इंजन के उत्पादन में मूल भूमिका है। सीट वेंडिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, मशीनिंग से लेकर कंप्लीट सेल तक बिजली के उपकरण के प्रावधान के लिए विद्युत रेल इंजन की बोगियों और पहिए तैयार किए जाते हैं। यह शाखा वास्तव में संरक्षा और गुणवत्ता मानक उत्पादों के पालन करते हुए इन हाउस वर्ल्ड क्लास टी पेंटिंग के साथ रेल इंजन का आउटर सेल का निर्माण करती है। मैं यांत्रिक शाखा के कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करता हूँ। रेखा का भंडार विभाग रेल इंजनों के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप रेखा कार्यालय सामग्रियों की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करवाता रहा है और इसी क्रम में रेखा ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 402 और 2019-20 में 431 रेल इंजनों का उत्पादन किया है। साथ ही भंडार विभाग ने संपूर्ण व्यय पर भी पर्याप्त नियंत्रण और इन्वेंट्री को प्रशस्त बनाए रखा है। अत्याधुनिक ऑनलाइन IMPS प्लेटफॉर्म का उपयोग कर स्टोर की खरीद के लिए लगभग सभी निविदा मामले समय पर निपटाए गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने समय पर लेखा जोखा भेजने और सामग्रियों को जारी करने की सुविधा प्रदान की, जिसके फलस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को किए जाने वाले भुगतान के समय में सराहनीय कमी आई है और इससे खरीदार क्रेता के संबंधों में काफी सुधार। चिरेका का लेखा विभाग कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर वेतन भुगतान और पेंशनधारियों को पेंशन प्रदान करने में अग्रणी है। आईपास प्रणाली की शुरुआत के साथ उचित बिल जमा करने के 3 दिनों के भीतर ही सभी वेंडर्स को भुगतान मिल रहा है। ई ऑफिस परियोजना पर पूरी गति से काम किया जा रहा है और यह आशा है कि चिरेका में सभी कार्यालय शीघ्र ही संपूर्ण डिजिटल प्रणाली में काम करना शुरू कर देंगे। चिरेका के मानव संसाधनों से संबंधित व्यवस्था को समुचित रूप से देखा जा रहा है और यहाँ पर औद्योगिक संबंध बहुत ही संतोषजनक है। प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारियों की पदोन्नति समय पर लागू की जाती है। यहाँ के सभी कार्यालयों के साथ साथ कारखाने में भी कार्यस्थलों पर बेहतर माहौल बनाने का ख्याल रखा जाता है। कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों का समुचित ध्यान रखा जाता है। चितरंजन के कस्तूरबा गांधी अस्पताल और 7 एरिया के हेल्थ यूनिट्स को सभी दवाएं और नवीनतम चिकित्सा उपकरण मुहैया करवाए गए हैं और वर्तमान की COVID-19 की परिस्थिति के कारण रोगियों के समुचित इलाज के लिए सिविल अथॉरिटी तथा MHA के परामर्श से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। रेलवे कर्मचारियों के लाभार्थ 18 महत्वपूर्ण अस्पतालों के साथ मेडिकल टाई अप किया गया और यहाँ पर
एक डायलिसिस केंद्र भी शुरू किया गया। चितरंजन रेल कारखाना और नगरी की देखभाल रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों द्वारा राज्य पुलिस के साथ समन्वय कर की जा रही है। चितरंजन रेल कारखाना नगरी में हुक प्रवेश द्वार, विशेष रूप से गेट नंबर 1 जिससे झारखंड की ओर से प्रवेश किया जाता है, और गेट नंबर 3 से पश्चिम बंगाल की ओर से प्रवेश किया जाता है पर मुस्तैदी से हमारे जवान निगरानी रखते हैं। कारखाने में प्रवेश और निकास द्वार पर तैनात रेल सुरक्षा बल तथा चितरंजन नगरी की दिन रात गश्त करना एक नियमित विशेषता है जिससे चितरंजन में कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण है। 26 जनवरी 2020 तक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने राष्ट्र के लिए 70 गौरवशाली वर्षों की सेवा का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इन 70 वर्षों के स्वर्णिम सफर में इसने 2,351 स्टीम लोको, 842 डीजल लोको और 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक लोको का विनिर्माण किया, जो देश और भारतीय रेल के लिए सेवा क्षेत्र में चिरेका को हमेशा से गौरवान्वित करने का एहसास कराता है और कराता रहेगा। हमारी अन्य उपलब्धियों में नई तकनीक से युक्त एवं ऊर्जा बचत के क्षेत्र में कामयाब विद्युत रेल इंजन WAP-7 जो कि हेड ऑन जनरेशन HOG से युक्त होता है। इसके संचालन से ध्वनि प्रदूषण में कमी आती है तथा यह इंजन ग्रीन एनर्जी से युक्त है। HOG श्रेणी का विद्युत रेल इंजन राजधानी, शताब्दी तथा दुरंतो जैसी हाई स्पीड यात्री गाड़ियों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। चितरंजन से एरोडायनामिक डिजाइन युक्त 200 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलने वाला WAP-5 रेल इंजन का भी निर्माण किया गया। तकनीक को और अधिक उन्नत कर 6000 HP के रेल इंजन को 9000 HP तक बनाया गया, जिससे लंबी माल गाड़ियों की औसतन गति बढ़ाने में सहायक होगी। इस रेल इंजन का ट्रायल रन 100 किलोमीटर प्रति घंटा पर सफलतापूर्वक किया गया है। पुश पुल तकनीक पर आधारित पैसेंजर ट्रेन के संचालन में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें दोनों रेल इंजनों को केबल के माध्यम से संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है, जिससे यात्रियों को सफर पर आरामदायक राइडिंग क्वालिटी मिलती है एवं ट्रैवल टाइम भी कम लगता है। DPWCS तकनीक की मदद से लंबी माल गाड़ियों के संचालन हेतु दो या दो से अधिक रेल इंजनों को परस्पर संयोजित कर वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से समान गति पर संचालन की विधि पर भी कार्य किया गया है। इस इंजन में एक विशेष प्रकार की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग व्यवस्था है, जो कि एक ब्लैक बॉक्स की तरह कार्य करता है, जिससे रेल इंजन के बाहर एवं भीतर विशेष निगरानी रखी जा सकती है, जो रेल संचालन में सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत आवश्यक है। इस तकनीक को व्यवहार में लाया जा चुका है। मालगाड़ियों के परिचालन में लोको पायलट कठिन परिस्थितियों में कार्य निष्पादन करते हैं। उनके सहूलियत के लिए एवं भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को आत्मसात करते हुए रेल इंजन के भीतर ही एक माइक्रो प्रोसेसर युक्त वैक्यूम टॉयलेट एवं बायो डाइजेस्टर टैंक का प्रावधान किया गया है, जो काफी लोकप्रिय हुआ है। चिरेका ने विद्युत रेल इंजन निर्माण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचा है, जिसमें WAP-7HS रेल इंजन, जिसका ट्रायल रन सफलतापूर्वक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर पूरा हुआ है। यह WAP-7 विशेष रूप से काफी शक्तिशाली यात्री रेल इंजन है, जो उच्च गति वाले रेलगाड़ियों के 24 कोच तक को खींचने की क्षमता रखता है। इस इंजन के निर्माण की सफलता से यात्री रेलगाड़ियों की गति बढ़ेगी और यात्रा के समय में भी कमी आएगी। मेक इन इंडिया के तर्ज पर इसका आंतरिक विकास, रंग रूप और आकार प्रकार भी चिरेका में तैयार किया गया है। तकनीकी रूप से गति क्षमता को बढ़ाने के लिए इसके वजन को 14 टन कम किया गया है, साथ ही गियर रेशियो को 3.6:72:20 से 3.2:70:22 तक परिवर्तित किया गया है। इसके सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन के कारण स्लिप स्लाइड नियंत्रण और खींचने की क्षमता को नियंत्रित किया गया है। इस इंजन के निर्माण से भारतीय रेल के लिए यह विद्युत रेल इंजन नई तकनीक के क्षेत्र में नई पहचान बन रहा है। WAP-7 रेल इंजन के निर्माण का इतिहास बहुत पुराना है। 10 मई 2000 में ही प्रथम रेल इंजन का निर्माण किया गया था और इस रेल इंजन की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता बरकरार रही और इस रेल इंजन के निर्माण में हमने 20 वर्ष पूरे किए। यह चिरेका के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। चितरंजन की डानकुनी स्थित इकाई ने शुरुआत से गत अगस्त तक 100 रेल इंजनों का निर्माण किया।
बीते वर्ष 2018-19 में चितरंजन ने 402 रेल इंजन निर्माण किया, जो कि एक रिकॉर्ड था जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने विश्व रिकॉर्ड से प्रमाणित किया है तथा इसका प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 431 रेल इंजनों का निर्माण कर चितरंजन ने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, जो कि हमारी स्थापित क्षमता का दुगना है। चितरंजन नगरी के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल जीते हैं। एक नई आर्चरी अकादमी की स्थापना भी की गई है। चितरंजन नगरी की प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कई पदक हासिल किए। हमें चितरंजन के हरे भरे वातावरण एवं झीलों पर गर्व है, जिसे यहाँ के रेल कर्मियों एवं उनके परिवारों ने बखूबी संभाल रखा है। चिरेका कर्मचारियों एवं उनके परिवार के मनोरंजन के लिए डिजिटल मूवी कॉम्प्लेक्स, पार्क्स, जिम, लाइब्रेरी इत्यादि का प्रबंध प्रशासन द्वारा किया गया है। चितरंजन की महिला कल्याण संगठन के द्वारा कर्मियों के परिवार के लिए प्री नर्सरी स्कूल, विशेष बच्चों के लिए आशा किरण स्कूल एवं मसाला सेंटर इत्यादि कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चितरंजन में स्थित गंगा बोट क्लब का संगठन द्वारा संचालन ने यहां का दृश्य ही बदल डाला है। कारखाने में महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं रेल इंजन उत्पादन में उनके योगदान को महत्व प्रदान करने के लिए थ्री फेज कर्षण मोटर शॉप के कॉयल इंसुलेशन अनुभाग में एक विशेष सेक्शन बसंती देवी के नाम से बनाया गया है, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं तथा कर्षण मोटर निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। चिरेका में राजभाषा के प्रचार प्रसार पर नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं। चितरंजन रेल इंजन कारखाने की इन सभी विशेषताओं एवं उपलब्धि का श्रेय यहाँ के महाप्रबंधक श्रीमान प्रवीण कुमार मिश्रा को जाता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भारत का पहला रेल इंजन कारखाना है। 26 जनवरी 1950 से उत्पादन प्रारंभ कर CLW ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे किए हैं। स्टीम इंजन के उत्पादन से प्रारंभ कर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए डीजल इंजन एवं उसके पश्चात इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2018-19 में 402 एवं विगत वर्ष 2019-20 में 431 रेल इंजनों का निर्माण कर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। साथ ही हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन हेतु नई डिज़ाइन के 200 kmph WAP-5, 160 kmph के WAP-7 एवं गुड्स ट्रैफिक हेतु हाई पावर के 9000 हॉर्स पावर का WAG-9 रेल इंजनों को सफलतापूर्वक विकसित कर भारतीय रेल को समर्पित किया है। इसी के साथ इन 70 वर्षों में CLW ने 10,000 से अधिक रेल इंजनों का उत्पादन किया है। चितरंजन रेल कारखाने के 70 वर्ष पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों, चितरंजन वासियों एवं अन्य सभी स्टेक होल्डर्स को उनके राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। रेल इंजन के निर्माण के साथ न केवल चितरंजन रेल इंजन कारखाना ने भारतीय रेल की गति क्षमता बढ़ाने और यात्रा सुगम बनाने का कार्य किया, बल्कि उभरते भारत की आकांक्षाओं को भी गति प्रदान की है और एक मूल्यवान विरासत को संभाला भी है। इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक नया विश्व रिकॉर्ड उत्पादन कर नया इतिहास रचा है।